बोलिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश के तेज तर्रार अध्यक्ष, जिनका अभी अभी आपने भाषण सुना है, SS3 CP जोशी जी, और दो दो बार जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में इस राजस्थान प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली है, ऐसी श्रीमती वसुंधरा राजे जी, पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री श्री गजन सिंह जी शेखावत, भारत सरकार के मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जी जोशी, और यहां के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी, राजन सिंह जी राठौर, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती विजया राहटकर जी, सहप्रभारी श्री चंद्रशेखर जी, श्री प्रताप पुरी जी, श्री प्रताप सिंह जी रामगढ़, श्री जीतन सिंह जी भाटी, श्री पीपी चौधरी जी, श्री भागीरथ चौधरी जी, श्री देवाजी भाई पटेल, श्री बाबू सिंह जी, समस्त सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बहनों एवं भाइयों, बहनों भाइयों, आज आप सबके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, और जो उमंग और उत्साह आप सबके अंदर यहां पर मैं देख रहा हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, एक पेपर वहां चुन गया क्या? मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि इस बार राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से अब कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आज जिस धरती पर हम सब यहां पर मौजूद हैं, मेरे बहनों भाइयों, या बाबा रामदेव जैसे अवतारी पुरुष की जन्मभूमि है, तो वहीं पर महाराजा तेजाजी महाराज जैसे लोगों की भी यह जन्मभूमि है। यह पूरा क्षेत्र मरुभूमि के साथ साथ वीरभूमि है, और इतना ही नहीं, यह तपोभूमि है और साथ ही साथ अणुभूमि है। 5-5 परमाणु परीक्षण इसी धरती पर हुए हैं, और इस धरती पर 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान लोंगोवाला की लड़ाई भी लड़ी गई थी, जिसमें भारत ने निर्णायक विजय हासिल की थी। बहनों भाइयों, यह वही धरती है। 1998 में भी यही परमाणु परीक्षण हुआ था, और जेकर उसी परमाणु परीक्षण के कारण भारत सारी दुनिया में एक न्यूक्लियर पावर के रूप में जाना जाने लगा था। यह ऐसी धरती है। साथियों, इस देश के वैज्ञानिकों ने भारत का मस्तक ऊंचा किया है, और मैं मानता हूं इस देश के वैज्ञानिकों ने जहां भारत का मस्तक ऊंचा किया है, वहीं पर भारत के सेना के जवानों ने भारत की सीमाओं की रक्षा करके भारत का मस्तक ऊंचा किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे इस देश को बराबर अपनी वैज्ञानिकों पर गर्व है और अपने देश की सेना पर गर्व है। मैं मानता हूं 1998 में भारत ने जो छलांग भारत का परमाणु परीक्षण करके लगाई थी, उसी तरह की लंबी छलांग 23 अगस्त 2023 को मिशन चंद्रयान की सफलता के साथ भारत ने एक बार और लगाई है। मेरे बहनों भाइयों, भारत अब यह चांद पर पहुंच गया है, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुई है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया का कोई देश नहीं जा पाया है। चंद्रयान 2 जिस समय विफल हुआ था, तो उस समय हमारे प्रतिपक्ष के लोग भी यह कहते थे, यह क्या हुआ है, तरह तरह की बातें किया करते थे, लेकिन उस संकट की घड़ी में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वैज्ञानिकों से जाकर उन्हें गले लगाकर उनकी हौसला अफजाई की थी, और आपने देखा कि इस बार चंद्रयान 3 पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में यह कामयाब हुआ है। भारत चांद पर तो पहुंच गया है मेरे बहनों भाइयों, और 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान, सूर्यान 11 अब वह भी सूर्य के नजदीक पहुंचना चाहता है। वैसे हम सूर्य से अभी काफी दूर हैं। कांग्रेस दबी जुबान से इस पर भी सवाल उठाने की कोशिश करती है,
लेकिन जब वह देश का मूड देखती है, आप जैसे लोगों का मूड देखती है, तो वह चुप्पी साध लेती है। मेरे बहनों भाइयों, मंगलयान, चंद्रयान, सूर्यान की सफलता की लॉन्चिंग भी हो गई, लैंडिंग भी हो गई, परंतु राहुल यान 20 साल से न तो उसकी लॉन्चिंग हो पाई है और न तो लैंडिंग भी हो पाई है। और दुनिया को आश्चर्य है कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से कम बजट में भारत ने मंगलयान तैयार कर लिया, चंद्रयान मिशन को पूरा कर दिया, सूर्यान मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहनों भाइयों, आप सबके कारण यह नए भारत की आवाज है, यह नए भारत की ताकत है, जो कहती है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान और हमारा भारत महान। राम देवरा से निकलने वाली यह यात्रा, मैं मानता हूं कि नए भारत का संदेश लेकर पूरे राजस्थान में जा रही है, कोने कोने तक, शायद 52 जिलों में जा रही है। और मैं मानता हूं यह जो परिवर्तन यात्रा निकली है, यह परिवर्तन का श्रृंखलाद है। और केवल एक ही यात्रा राजस्थान में नहीं निकली है, बल्कि 3 अन्य स्थानों से भी यात्राएं परिवर्तन की निकली हैं। और मैं कहना चाहता हूं, यात्रा तो निकलेगी, आप तक जाएगी, जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करेगी, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस की हुकूमत भी पिछले 5 वर्षों से लगातार देख रहे हैं, और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी यहां हुकूमत वसुंधरा जी के नेतृत्व में भी आपने काम करते हुए देखा है, और उस समय कैसा माहौल था और आज कैसा माहौल है, आप स्वयं, मैं समझता हूं कि इसका आकलन कर सकते हैं। और आपको ही यह फैसला लेना होगा कि हमें क्या करना है इस राजस्थान के इस बार के आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक हमारे भारत का प्रश्न है, मैं यही कहना चाहूंगा एक रक्षा मंत्री होने के नाते कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है मेरे बहनों भाइयों। और भारतवासी ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया विश्वास और एक भरोसे की नजर से सारे लोग भारत की ओर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं सुनते थे, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत बढ़ी है। यह कोई छोटी बात नहीं है, भारत के प्रति पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ा है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर भारत में निवेश कर रही हैं, और जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिनमें भारत को सकारात्मक सम्मान के नजरिए से सारी दुनिया में देखा जा रहा है। अभी एक रिसर्च सेंटर ने दुनिया के 23 देशों के आधे से अधिक नागरिकों ने भारत को एक बहुत बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखा है, और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की भूरी भूरी सराहना की है। बहनों भाइयों, आज यह भारत की हैसियत बनी है, आज यह भारत की हैसियत बनी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय 2014 में हमारी सरकार बनी थी, इस देश की अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत सारी दुनिया में 10वें स्थान पर था, लेकिन 9 वर्षों के अंदर ही यह करिश्मा हो गया कि हमारा भारत आज 10वें स्थान से जंप लेकर बहनों भाइयों दुनिया के 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में। और मैं नहीं कह रहा हूं, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स भी इस बात को कह रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है, और यहां तक कह दिया है बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, 2027 आते आते मेरे बहनों भाइयों हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। यह है कि अब हम लोगों की बनी है, हमारे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने क्या क्या किया है आप सब अच्छी तरह परिचित हैं, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस कैसे सरकार चलाती है उसके बारे में एक नजीर आपको मैं देना चाहता हूं। जब हम लोगों की 2014 में सरकार बनी तब भी 18,000 गांव ऐसे हिंदुस्तान में थे जहां तक कि बिजली नहीं पहुंच पाई थी। पहली बार
साल डेढ़ साल के अंदर 18 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मेरे बहनों भाई, आप सबका जनधन खाता खुला हुआ है। पहले कोई भी सहायता गवर्नमेंट के द्वारा आती थी तो आप सबको जानकारी है दो तिहाई, एक तिहाई, आधा सब भ्रष्टाचार की भेंट को चढ़ जाता था। लेकिन मोदी जी ने यह फैसला किया कि हर नागरिक का जनधन खाता खुलना चाहिए ताकि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत और साथ ही अन्य जो हमारी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत जो भी आपको पैसा आता होगा, आपके खाते में आता होगा, तो दिल्ली के बैंक से निकलकर जितना पैसा चलता है आपके लिए उतना पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंचता होगा। बहनों भाइयों, इस प्रकार का सिस्टम में बदलाव लाने का काम पहली बार इस आजाद भारत में यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आपको सड़कों के मामले में, राजस्थान के लोग हैं, पहले भी सड़कें आपने देखी हैं, आज भी आप सड़कें देख रहे हैं। 99% गांवों को हमारी सरकार ने पक्की सड़कों से जोड़ दिया है और यह सिलसिला प्रारंभ किया था आजाद भारत के इतिहास में सबसे पहले तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था। और आज हाईवे का जहां तक प्रश्न है, हाईवे देखिए, चौड़ी चौड़ी हाईवे, कितनी लंबी लंबी हाईवे इस देश में बन रही है। और भारत ही नहीं, दुनिया के लोग यह मानते हैं कि कुछ ही वर्षों के अंदर हाईवे के मामले में भी भारत के अंदर यह करिश्मा हुआ है, सारे लोग मानते हैं। यह सब काम यदि किसी ने किया है तो मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। अब उन्होंने कहा है कि हम अपनी बहनों को लखपति बनाएंगे, जो हमारी गरीब बहनें हैं उनको हम लखपति बनाएंगे। और आप देख रहे हैं कि उसके लिए कई योजनाएं उन्होंने उसके लिए प्रारंभ की हैं। और यह भी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 2014 के पहले ऐसे 70 ग्राम पंचायतें थी जहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा थी, लेकिन बहनों भाइयों आज धीरे धीरे 2.5 लाख से अधिक पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11 करोड़ लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया हो रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो कुछ भी हो रहा है उससे आप अच्छी तरह सहमत हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। और यहां तक हमारे गजन सिंह जी शेखावत का प्रश्न है, जिस विभाग का मंत्रालय की जिम्मेदारी वह संभाल रहे हैं, तो जल नल के माध्यम से जल अब हिंदुस्तान के करोड़ों घरों में पहुंचना प्रारंभ हो गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस आगामी 2 साल के अंदर इस हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जहां पर नल के माध्यम से जल की सुविधा न मुहैया हो जाए। हमारी सरकार ने बराबर आम आदमी का सशक्तिकरण करने की का प्रयास किया है। और नीति आयोग ने भी कहा है कि मोदी जी के आने के बाद 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और मैं समझता हूं यह इस कारण हो गया कि गरीबी से लोगों को छुटकारा दिलाना, गरीब कल्याण करना, यह लोगों का नारा हुआ करता था। लेकिन गरीब कल्याण, बहनों भाइयों, हमारा नारा नहीं है, हमारा मंत्र है और हमारा मिशन है। इसीलिए हिंदुस्तान की गरीबी इतनी तेजी के साथ समाप्त हो रही है। मेरे बहनों भाइयों, कितनी बातों की आपके सामने मैं चर्चा करूं। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार में जाकर आपसे चर्चा की है। मैं लोगों से पूछ रहा था, भाई राजस्थान जैसे राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसे इतनी बदतर हो सकती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। लोगों ने मुझे कई घटनाओं की जो चर्चा की, सचमुच मेरे कान खड़े हो गए। 56 महीने में 10 लाख से अधिक मुकदमे हो चुके हैं दर्ज, और उसमें से 7,650 से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या हो चुकी है इस कांग्रेस की हुकूमत में राजस्थान में। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस प्रकार के हालात देखने को नहीं मिलेंगे। 2 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज, इसमें 31,000 मुकदमे केवल महिला दुष्कर्म के, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के हुए हैं। मेरे बहनों भाइयों, राजस्थान की स्वाभिमानी जनता इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है। मैं सारे आंकड़े देख रहा था,
जोधपुर में एक पूरे परिवार की जिस तरीके से गला काटकर हत्या कर दी गई है उसकी जानकारी आप सबको है, उदयपुर में जो कुछ भी हुआ है। और आप जानते हैं किसी राज्य का यदि हम विकास करना चाहते हैं तो विकास की पहली शर्त होती है कि कानून और व्यवस्था यह चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, नहीं तो यदि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है तो मेरे बहनों भाइयों किसी भी सूरत में उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। और मैं तो एक आंकड़ा देख रहा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और मैं नौजवानों से कहूंगा इसे आप नोट कर लीजिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में पिछले वर्षों से नंबर एक पर पहुंच गया है। यही स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान की कांग्रेस ने बना दी है, गहलोत जी की सरकार ने बना दी है, हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बहनों भाइयों इसके बारे में फैसला आप सबको करना है, क्या करना है यहां पर। लेकिन आज जो मैं उमंग और उत्साह आप सबका यहां पर देख रहा हूं, मेरा विश्वास अब पक्का हो गया है बहनों भाइयों कि अब इस राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं, क्या हो रहा है राजस्थान में। और मैं कहना चाहूंगा कि बहनों भाइयों हालात यहां की सरकार की यह है कि मुख्यमंत्री जिस ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं इस गाड़ी का क्लच कोई और दबा रहा है और एक्सेलरेटर कोई और दबा रहा है, यह हालत हो गई है। क्या हो गया है राजस्थान को, यहां पर हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा के नाम पर बांटकर लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यह है जो राजस्थान का विकास होना चाहिए था और विकास के नाम पर कांग्रेस की हुकूमत को वोट मांगना चाहिए था वह विकास के नाम पर वोट मांगने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, इसीलिए हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा इस आधार पर लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मोबाइल गारंटी देना शुरू किया है, कई कई तरह की गारंटी देना शुरू किया है। और मैं बहनों भाइयों बतलाना चाहता हूं इसके पहले भी जहां जहां चुनाव हुए हैं जिन राज्यों में, हिमाचल में हुआ है, कर्नाटक भी हुआ है, वहां पर भी जाकर ये लोग इसी प्रकार के तरह तरह के आश्वासन लोगों को देते रहते हैं, कहते हैं यह गारंटी है। और यही गारंटी आकर राजस्थान में भी हमारे राजस्थान के बहादुर बहनों भाइयों को दे रहे हैं। इनके ऊपर किसी भी सूरत में भरोसा नहीं किया जाना चाहिए बहनों भाइयों। 5 वर्षों तक क्या करते रहे आप, 5 वर्षों तक यदि कुछ आपने किया होता आपके ऊपर राजस्थान की जनता का यह भरोसा रहा होता। हिंदुस्तान हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जनता ने आपके धोखे को आपके फरेब को अच्छी तरह समझ लिया है। अब एक गठबंधन बनाया है, कई विपक्षी दलों ने मिलकर 28 दलों ने मिलकर गठबंधन बनाया है। चाहे हो जाए मुख्यमंत्री जी को, अब मोदी जी को किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। बहनों भाइयों गठबंधन होना चाहिए तो इस देश के विकास के लिए होना चाहिए, गठबंधन होना चाहिए तो इस देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने के लिए होना चाहिए। ये गठबंधन इसलिए हो रहा है कि मोदी जी को दोबारा किसी भी सूरत में सत्ता में आने नहीं देना है, यह गठबंधन किया। अब इस गठबंधन की क्या हालत है मैं देख रहा हूं, हालत इनकी ऐसी है नाम बड़ा दर्शन छोटा। नाम तो बहुत इंडिया रख लिया लेकिन मैं उनको बतलाना चाहूंगा यह नाम बहुत खतरनाक है, यह नाम बहुत खतरनाक है। हम लोगों ने भी एक बार शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था बहनों भाइयों, हम हार गए थे और आपने यह भी इंडिया बना लिया, आपकी हार निश्चित है बहनों भाइयों, पक्की है। और सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं आप क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं सोनिया जी बोलती, क्यों नहीं राहुल जी बोलते, क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है। और बहनों भाइयों सनातन धर्म का जहां तक सवाल है इसको केवल पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। सनातन धर्म यह सनातन नित नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। और यह सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे
विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि कोई धर्म देता है तो यह सनातन धर्म ही देता है। चींटी को भी आटा खिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई धर्म करता है तो वह सनातन धर्म करता है, यह भी हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझना चाहिए। इतना ही नहीं, नाग पंचमी के दिन सर्प को भी दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है तो सनातन धर्म ही करता है मेरे बहनों भाइयों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म के संबंध में डीएमके के जिस नेता ने बोला है, बयानजी स्टालिन ने, उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए किसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। उन्होंने कहा सनातन धर्म बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। क्या सनातन धर्म जाति पात और मजहब के आधार पर यह भेदभाव पैदा करने वाला धर्म है मेरे बहनों भाई? सनातन धर्म ऐसा है जो यह संदेश देता है, वसुधैव कुटुंबकम का सनातन धर्म यह संदेश देता है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश देने वाला यदि कोई धर्म है तो वह सनातन धर्म है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, INDIA गठबंधन में, सबसे मैं कहना चाहूंगा इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। बहनों भाइयों, आज यहां पर जो आप लोगों के अंदर उमंग और उत्साह देख रहा हूं, सचमुच मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से अब हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, और राजस्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है। इसलिए आज के अवसर पर एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में अब बढ़ गई है। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कोरोना का संकट आपने देखा, कोरोना के संकट में के पहले हमारे यहां टीका लगाने वाली वैक्सीन नहीं बनती थी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत वैज्ञानिकों का आह्वान किया, वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की, और वैज्ञानिकों ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि कोरोना के संकट से निकलने के लिए हम वैक्सीन भारत में तैयार करेंगे और अपने हाथों से तैयार करेंगे। और वैज्ञानिकों ने वह करिश्मा करके दिखा दिया, और दुनिया के आपको आश्चर्य होगा कि भारत में जितने लोगों को कोरोना का टीका लगा है, जितनी डोजेज लगी है, दुनिया के किसी भी देश में उतनी डोजेज कोरोना की नहीं लगी है जितनी की भारत में लगी है। और आज हमारा यह हमारे भारत की स्थिति वैक्सीन के मामले में ऐसी बन गई, टीका के मामले में, कि हम दुनिया के दूसरे देशों को, मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों को, लगभग 100 देशों को, हम लोगों ने भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए वैक्सीन को, टीके को, उनको भेजने का काम किया है। यह हैसियत भारत की बनी है। और आपने देखा इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में हमारे लगभग 23,000-24,000 ऐसे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करने गए थे वो फंसे हुए थे, उनके सारे माता पिता यहां कहते थे मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए यूक्रेन से हमारे बच्चों को सकुशल लेकर भारत की धरती पर आओ। गंभीर संकट था, जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वह करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखा दिया। मेरे बहनों भाई, टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 23,000 वहां पढ़ने वाले छात्र भारत में आ गए। यह भारत की ताकत बनी है। और मेरे बहनों भाइयों, जब तक हर राज्य के रहने वाले लोगों के द्वारा हम लोगों को संबल नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगी, हमारी सरकारें नहीं रहेंगी राज्यों में, तब तक मैं समझता हूं कि इन सब सारी शानदार उपलब्धियों को हासिल कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस बार के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से अधिक बहुमत से विजय दिलाकर आप सरकार बनाएं, यही आप सबसे अपील करना चाहता हूं। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं
तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर आप एक बार अपना समर्थन दे दीजिए। यही कहते हुए और आप सबको धन्यवाद।